हाँ जी एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है डे 7 ऑफ द क्रूज़। आज फाइनल डे हमारा, सी डे है। तो आज बस सीधा हम लोग कल वलेटा से निकले। आज अब कल नेक्स्ट डे डे 8 पे विल रीच बार्सिलोना। तो वहाँ हमारा डिसएम्बार्केशन होएगा। तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग डे है, काफ़ी एक्टिविटीज़ करी, काफ़ी पोर्ट घूमे। तो आज बस शिप पे ही हैं। शिप पे हम लोगों ने बच्चों की काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो कर रहे हैं, आर्केड खेलेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और बस इन्जॉय करेंगे क्रूज़ का लास्ट डेट। हैज़ बीन अ ग्रेट क्रूज़। तो आज मैं आपको थोड़ा इसका बताता हूँ कि इसमें क्या क्या जरूरी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए। तो पहला तो होता है इनका ऐप, MSC का ऐप होता है, उसमें सारी एक्टिविटीज़ आती है डेली की। वंस यू रजिस्टर, वंस यू आर ऑन बोर्ड, यू कैन सी ऑल द एक्टिविटीज़ देयर, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ, बुक द शोज़ ऑन द ऐप। वो सब फर्स्ट डे करना होता है। एंड आई हाईली रिकमेंड गेटिंग, एज आई सेड बिफोर, बेवरेज पैकेज एंड वाईफाई पैकेज। जो वाईफाई पैकेज है, इट्स नॉट फॉर वीडियो व्यूइंग, इट्स ओनली फॉर ब्राउजिंग और व्हाट्सएप और लाइक और योर सोशल मीडिया। और एक और होता है यहाँ पर इनका फन पास, विच इज़ द आर्केड गेम सेंटर क्रेडिट्स। वो भी पहले ले लेना शिप पे आने के, क्योंकि वो बहुत महंगे मिलते हैं इफ़ यू आर बाइंग ऑन द शिप। एंड वन थिंग वी डिडंट बाय वी शुड हैव इज़ द फोटो पास। यहाँ फोटोज़ भी होती है, प्रोफेशनल खींचते हैं। व्हेन यू एम्बार्क दे टेक योर पिक्चर्स, एट एवरी डिनर दे टेक योर पिक्चर्स। तो ये चार पांच चीज़ें याद रखना, इट मेक्स क्रूज वेरी इजी। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, आई डिडंट सी दिस साइड, बट देखो मेरे पीछे लाइफ बोट्स, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कितनी लाइफ बोट्स हैं। दिस लाइफ बोट कैन अकोमोडेट 446 पैसेंजर्स, और ये 246 है इवन नंबर की। तो मतलब कितनी हो गई, 10 होनी चाहिए इनके पास पूरे पैसेंजर, 4000 के करीब पैसेंजर के लिए 10-12 बोट्स। वाह, और कल डिसएम्बार्केशन जब करेंगे तो दे टोल्ड अस टू लीव योर बैग्स आउटसाइड बाय 1 AM, सो दैट यू कैन दे कैन टेक द बैग्स। एंड बेसिकली वो आपको बार्सिलोना के सीधा लगेज बेल्ट पे मिल जाएंगे। एंड यू विल गेट योर एम्बार्केशन टाइम अकॉर्डिंग टू योर कैबिन। सो इट कुड बी एज अर्ली एज सून एज द शिप डॉक्स एट 8 AM एंड आई थिंक एज लेट एज अराउंड 10 or 11। तो आज शिप इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही बढ़िया शिप है। मस्ट डू इफ यू लाइक विजिटिंग लॉट ऑफ कंट्रीज इन वन गो। ये है द ग्लास वॉकवे, दिस इज ऑन द 19th फ्लोर, नीचे पूरा। बापरे थोड़ा डर लग रहा है, बापरे पूरा नीचे से लग रहा है गिर जाओगे, पकड़ के चलना पड़ रहा है। तो आज भी ऑफिशियल कैप्टन प्रेजेंटेशन का डे है। तो आज कैप्टन आएंगे, ड्रेस अ क्राउड, आज ड्रेसअप है, तो सब लोग ड्रेसअप हुए हैं अच्छे से, थोड़ा फॉर्मल ड्रेसअप है। आज शैम्पेन हर एक बार में मिल रही थी, या स्पेशल डिनर एट द रेस्टोरेंट। सो इट्स अ गुड फॉर्मल डे टुडे, विल बी नाइस एक्सपीरियंस टू सी द कैप्टन ऑफ दिस बिग मेगा शिप। पीछे ऊपर देखो जरा, dear guests, good evening. Thank you for choosing MSC Cruises for your holidays. I hope you are having a wonderful experience on board MSC World Europa and at every destination along our itinerary. Our mission is to make your time with us a pleasure from start to finish, and we will do everything in our hands to make this happen. I wish you all a wonderful evening and I'm from Forgettable Cruise. Thank you. जो टेलीफोन बूथ देख रहे हो ना आप, दिस इज एक्चुअली द एंट्रेंस टू अ सीक्रेट बार। सो यू हैव टू गेट दैट कोड टू एंटर हेयर।
and then the door opens and then you go in the secret bar and that code you only get after you order a specific drink. So humne to kiya nahi hai but bahut log karte hain, to idhar bhi khade hain mere piche, they might enter with the code. To wahi main dikha raha hu kaise hota hoga, like the Harry Potter land. Humne wo code dial kiya and then abhi darwaza khulega aur andar chale jayenge. Sahi hai na? Secret bar ke bare mein aaj logo pata nahi hai, to when अभी कभी भी आप ड्रिंक ऑर्डर करो तो आज के कौन से ड्रिंक से सीक्रेट वाला कोड मिलता है, एंड मे बी यू कैन अवेल दैट स्पेसिफिक पर्क. लोगों ने अपने लगेज जैसे टैग लगा के रख दिए लाइन से, हम भी रख देंगे. सो वी हैव टू लीव द कैबिन एट 8:30 AM सॉरी, एंड लीव द शिप बाय 10 o'clock. So you don't have to carry all the luggage with you. सीधा आपको पोर्ट पे मिल जाएगा. इट्स लाइक एयरपोर्ट सिस्टम, तो वहाँ आपको अपना लगेज घूमते हुए मिलेगा उसके ऊपर कैरासोल पे, तो आप वहाँ से उठा लो. सो यार इट्स अ गुड सर्विस दैट दे प्रोवाइड. तो आपको लगेज ड्रैग नहीं करना है पूरा टाइम. सो हम लोग जब छोड़ेंगे अपना कैबिन, सो वी विल जस्ट गो हैव ब्रेकफास्ट एंड देन स्टेट अवे एग्जिट. तो आज है day 8 ऑफ द क्रूज और आज हम बोर्ड कर रहे हैं इन बार्सिलोना. डिसएम्बार्केशन डे है, तो कल दिखाया था सारा सामान वामान चला गया. अब सुबह उठे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि 8 बजे बोट जो है अपनी क्रूज शिप डॉक हो जाएगी बार्सिलोना में, एंड देन वे टू गेट ऑफ द शिप. सो ये देखो मेरे पीछे ये पोर्ट ऑफ बार्सिलोना आ गया है. ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में और क्रूज शिप विल बी डॉक. सो दिस विल बी एंड ऑफ आर क्रूज शिप ट्रिप. देखो जी, क्लोज टू पोर्ट ऑफ बार्सिलोना. अभी इंडस्ट्रियल एकदम पोर्ट है ये, तो बड़ी कंटेनर शिप. एक हफ्ता पहले इसी पाथवे से खुशी खुशी आए थे क्रूज पे, अब एक हफ्ते बाद जा रहे हैं वापस. काफ़ी मन उदास है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आया. मतलब क्रूज़ करना है तो यार MSC का अच्छा क्रूज़ है, दे विल गिव यू ऑल द फैसिलिटीज़, पोर्ट भी बहुत अच्छी है. सो या लुक इनटू दैट. मैं इसका लिंक छोड़ दूंगा कौन से हमने क्रूज़ लाइन बुक करी, यू कैन चेक इट आउट. अभी नया एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं उसके साथ, देखते क्या होता है आगे. देखो दे असाइन अस कि हमारा बोला कि नंबर 2 जो कैरोसेल है वहाँ पर आएगा सामान. लगेज क्लेम हमारा लगेज टैग के हिसाब से हमने 33 लगेज टैग था, तो जस्ट लुक फॉर योर लगेज टैग. प्रीटी वेरी ऑर्गेनाइज, कोई झंझट नहीं. सारे लगेज टैग देखो और सामान उठाओ और निकल लो. ये कितना बिजी एरिया है. यहाँ पर काफ़ी लोग जो अभी साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, काफ़ी बिजी पोर्ट है ये. अच्छा हुआ हम इस पोर्ट से चढ़े क्योंकि हम लोगों ने टाइम मिला बार्सिलोना घूमने का, आराम से देखने का. बाकी सारी पोर्ट छोटी छोटी है ना, तो आसान हो जाता वहाँ पर. टैक्सी की लाइन है सुने जो एग्जिट द पोर्ट. ये क्रूज बसेस जा रही हैं फॉर साइट सीइंग और ये टैक्सी की लाइन है इतनी. ये देखो जी, अगर आप पोर्ट से टैक्सी लोगे तो फिक्स रेट. इफ यू वांट टू गो डाउनटाउन इट्स लाइक 24 यूरोस, 21 यूरोस. फॉर एयरपोर्ट दे आर सेइंग इट्स 45 यूरो फ्लैट रेट, विच इज़ गुड. तो आपको नेगोशिएट नहीं करने का है. इफ़ यू गो बाय मेट्रो इट्स 21 to 28 यूरो. सो मेट्रो भी जाती है.